नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र सोनभद्र जिले का हिस्सा है। सोनभद्र यूपी का इकलौता जिला है जो चार राज्य बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से सीमा साझा करता है। विंध्य और कैमूर पहाड़ियों में बसा यह जिला खनिज संपदाओं से संपन्न है। सोन, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, रिहंद, रेणु, घग्गर नदियां इसके ग्रामीण इलाकों से होकर बहती हैं। रॉबर्ट्सगंज जिले का मुख्यालय है। इस शहर का नाम ब्रिटिश सेना के फील्ड मार्शल फ्रेडरिक रॉबर्ट के नाम पर हुआ था। विजयगढ़ का किला, सोढ़रीगढ़ का किला, अगोरी दुर्ग, वीर लोरिया का पत्थर, नगमा बांध, रिहंद बांध, सलखन जीवाश्म पार्क, लखनिया दरी, रेणुकूट और रेणुकेश्वर मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। बात राजनीति की करें तो रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र देश के 543 और यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एक है। ये सीट अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। इस लोकसभा के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें 4 सोनभद्र जिले में और 1 विधानसभा क्षेत्र चंदौली जिले में है। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा के वर्तमान सांसद पकौड़ी लाल कोल हैं। अपना दल सोने लाल सांसद पकौड़ी लाल कोल ने समाजवादी पार्टी के भाई लाल को 54,336 वोटों से हराया था। पकौड़ी लाल कोल को 4,47,914 वोट मिले, जबकि भाई लाल को 3,93,578 वोट मिले। कांग्रेस पार्टी के भगवती प्रसाद चौधरी तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें महज 35,269 वोट ही मिले। इससे पहले 2014 में बीजेपी के छोटे लाल ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीएसपी के शारदा प्रसाद को 1,90,486 वोटों से हराया था। तब समाजवादी पार्टी में रहे पकौड़ी लाल कोल यहां पर तीसरे स्थान पर रहे थे। उन्हें 1,35,966 वोट ही पड़े थे। कांग्रेस पार्टी के भगवती प्रसाद चौधरी 86,235 वोट लाकर चौथे स्थान पर रहे थे। भाकपा के अशोक कुमार कनौजिया को 24,363 वोट मिला था। वह पांचवें स्थान पर रहे। रॉबर्ट्सगंज सीट पर 1962 में हुए पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी के राम स्वरूप सांसद चुने गए थे। कांग्रेस के राम स्वरूप ने 1967 और 1971 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। 1977 में यहां जनता पार्टी के उम्मीदवार शिव संपत राम ने जीत दर्ज की, जबकि 1980 और 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस के राम प्यारे पानिका को जीत मिली थी। 1989 में बीजेपी ने यहां खाता खोला और सूबेदार प्रसाद सांसद बने। 1991 में राम मंदिर आंदोलन के बाद भी यहां बीजेपी हार गई। यहां जनता दल के राम निहोर राय ने जीत दर्ज की। इसके बाद 1996, 1998 और 1999 में बीजेपी के राम शकल ने जीत दर्ज की। 2004 में लाल चंद्र कोल और 2009 में सपा के पकौड़ी लाल कोल ने जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 में बीजेपी के छोटे लाल खरवार और 2019 में बीजेपी के पकौड़ी लाल कोल ने जीत हासिल की। रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट 5 विधानसभा रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, दुधी, घोरावल और चकिया आती है। इसमें चकिया विधानसभा सीट चंदौली जिले में है और बाकी चारों विधानसभाएं सोनभद्र जिले का हिस्सा है। रॉबर्ट्सगंज सीट पर कुल 13,63,495 वोटर हैं। इसमें 7,27,125 पुरुष वोटर और महिला मतदाताओं की संख्या 6,36,333 है। साल 2019 में इस सीट पर 45.32% मतदान हुआ था। रॉबर्ट्सगंज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बहुलता है। 2021 की जनगणना के अनुसार यहां एससी वोटरों की संख्या 23.9% है, जबकि एसटी वोटर 16.6% थे। एनडीए में यह सीट अपना दल सोनेलाल के खाते में है। उम्मीद है कि पकौड़ी लाल कोल को पार्टी फिर मैदान में उतारेगी। इधर एनडीए विरोधी दलों ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।